हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो हिमाचल से, कहाँ से आया? मैं हिमाचल से। अच्छा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी काफ़ी सालों से, और वो काफ़ी मेडिकेशन वगैरह करवा चुके थे बट कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। सो अल्टीमेटली दे केम टू अस, सो बात करते हैं पेशेंट से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम नेहा है, मैं हिमाचल शिमला से हूँ। मैम, मुझे स्पाइन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। मैम बताइए, मतलब मेरी जैसे बैक पेन भी बहुत था, लेग्स में भी पेन था, कभी कभी शोल्डर में बहुत शार्प दर्द होती थी। आप करते क्या हैं नेहा? मैं वैसे तो टीचिंग करती थी, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ओके, तो उसमें आपकी स्टैंडिंग वगैरह काफ़ी रहती थी? हाँ जी मैम, बिल्कुल बहुत रहती थी। तो ये दिक्कत कब से आई थी आप? मैम मुझे लगभग 2-3 ईयर्स हो गए। तो क्या हुआ था, मतलब कैसे स्टार्टिंग में? मैम मेरे वैसे लेग्स में नीचे एंकल में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी, फिर मैंने माइंड नहीं किया, मुझे लगा कि ऐसे ही है नॉर्मली। फिर मैंने अपने शिमला में ही दिखाया, उसके बाद किसी ने बोला PGI जाओ, फिर मैंने PGI भी दिखाया, वहाँ पे स्पाइन का दिक्कत बताया, फिर गई, फिर मैं भी ट्रीटमेंट लिया वहाँ पे। मैं 2 साल रेगुलर ट्रीटमेंट लिया। तो क्या मेडिकेशंस वगैरह? हाँ जी मैम, वहाँ मैंने थेरेपी भी ली बट मुझे कोई रिलीफ नहीं आया। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आपके यहाँ पे SSC क्लिनिक है जीरकपुर में, तो कोई नॉन ही था, फिर मैं यहाँ पे आई और आज मुझे शायद 9 डे है शायद, है ना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपको कोई दर्द नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जब आप आए थे फर्स्ट डे जैसे, तो काफ़ी ज़्यादा पेन थी, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था मैम। और आपने बताया भी था शायद आपके पहले भी आप आए थे हमसे, काफ़ी टाइम पहले से बात हो रही थी। बिल्कुल मैम, शायद हार्डली 2-3 मंथ्स पहले मैंने यहाँ पे आई भी थी बट मैं यहाँ से वापिस होगी, शायद मैंने आपको बताया भी था इस बारे में। हाँ जी, चलो वो तो जब जो होना होता है ना तभी होता है। कई बार क्या होता है, सामने पड़ी चीज़ भी दिखाई नहीं देती। मैं सबको यही कहूँगी कि सबने जो भी इधर उधर जा रहा है, सब यहाँ पे आओ, सबको एकदम से सही ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रही है। तो आपको सर्जरी वगैरह के लिए भी बोला था? हाँ जी मैम, स्पाइन के लिए बोला था मुझे ना, यहाँ PGI में तो नहीं बोला था, यहाँ पे मैं तो बोला था। किस चीज़ के लिए? स्पाइन की बोला था मैम, फिर उसमें तो प्लेट्स वगैरह के लिए बोला था। प्लेट्स में तो आपको पता फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एज भी यंग है और बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने काफ़ी टॉलरेट किया। बिल्कुल मैम, बट एट द एंड देखो, बिल्कुल 7-8 दिन मुझे याद है जब आप आए थे तो आपने बोला था कि अगर मुझे एक दिन के लिए भी रिलीफ मिल जाए तो। मैंने तो आपको ये भी बोला था, मैं कहा वो भी बहुत बड़ी बात है अगर मुझे कोई एक दिन के लिए भी रिलीफ दे दे। अब तो देखो मैं बिल्कुल खुद से आई, आज तो बिल्कि हस्बैंड नहीं आए थे लेने, मैं खुद से पैदल आई। अच्छा। काफ़ी रिलीफ है मुझे, मेरा टांगों में जैसी दर्द होती थी मैं पैदल बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। सो भी नहीं पाते थे? नहीं मैम, रात को तो इतनी पेन होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, आपके जैसे ना एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, लोगों को लगता है कि दवाई एक हो सकती है ट्रीटमेंट और एक ज़्यादा आप ये सर्जरी वगैरह करवा सकते हो, तो देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जिनसे आप ट्रीट हो सकते हैं और आपकी पेन खत्म हो सकती है। बिल्कुल, तो आपने खुद सफ़र किया है इतना ज़्यादा। बिल्कुल, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगी सबको, जो भी है मेरे आसपास चाहे इधर भी, सब लोग यहाँ पे मोस्ट विजिट करो, सबको रिलीफ आएगा जब मैं इतना सफ़र कर चुकी हूँ। हाँ जी ठीक है, काफ़ी पैसे भी आप लगा। बिल्कुल मैम, इसका तो आपको पता ही है ट्रीटमेंट में कितना है, कॉस्टली है मैम। सबको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। बिल्कुल मैम, नहीं कर पाता है। अब मैं तो इतने दूर से हिमाचल से यहाँ पे आती थी इसके लिए, तो रुकना फिर और चीज़ें बहुत चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, हाँ जी चलो, थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू।